अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने आज गोंडवाना राजवंश की राजधानी रामनगर यानी आदिवासी बाहुल मंडला जिले से चुनावी शंखनाद कर दिया है। आचार संहिता के बाद पहली चुनावी सभा में जहां उन्होंने सरकार बनने पर किसानों के कर्जा माफ, बिजली माफ, बच्चों की शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य और महंगाई और रोजगार पर करारा कटाक्ष किया है और गारंटी भी दी है, वहीं मध्य प्रदेश की 18 वर्षों की जो सरकार है भाजपा की, उस पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया है। आदिवासी इलाके से इस तरह का संदेश और आक्रोश, जन आक्रोश रैली के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बता दिया है घोषणा करके कि वे पूरी तरह से चुनावी मोड पर हैं। जहां प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए स्वच्छ सरकार देने का वादा किया है जनता को, वहीं आदिवासियों का जो लगातार शोषण पिछले 15 वर्षों से प्रदेश पर हुआ है उसको एक एक करके गिनाकर मध्य प्रदेश सरकार की सत्तासीन पार्टी यानी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं, वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस पंथ। यह भी तय कर लिया है अपने भाषण के दौरान कि इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ साथ भ्रष्टाचार भी मुद्दा कांग्रेस बनाकर ही रहेगी और मतदाताओं के बीच प्रदेश में आने वाले दिनों में जा रही है। अब देखना यह है कि यह सभी आरोपों को जनता किस तरह अपने में लेकर और अपना क्या मत प्रकट करती है, यह भविष्य में बताएगा। रामनगर से न्यूज़ दूत के लिए सुधीर उपाध्याय, मंडला।